नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है और ऊपर ही तरफ से बिकवाली हो रही है। इस बीच एनटीपीसी लिमिटेड का तीसरी तिमाही के नंबर्स आने थे, Q3 FY22 के नंबर्स आने थे और डिविडेंड का अनाउंसमेंट होना था दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में ये नीचे की तरफ आ गया था, महीने भर पहले ये लगभग 120-124 तक आ गया था, वहां से बढ़कर 140 तक पहुंचा है स्टॉक प्राइस। 52 एक हाई है 152 रुपया दोस्तों। तो पावर सेक्टर में तेजी तो बनी है, बट ये कि एनटीपीसी का स्टॉक धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है। बहुत सारे निवेशक इसको अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड के लिए भी रखते हैं और जब भी तिमाही रिजल्ट आता है तो एक तेजी भी बनती है इसमें और गिरावट भी होती है। तो 140 में इसका स्टॉक प्राइस है और पावर सेक्टर में तेजी भी है। तो तीसरी तिमाही का अपडेट दिया है एनटीपीसी लिमिटेड ने। तो टोटल इनकम रेवेन्यू क्या रहा है, Q3 FY22 में प्रॉफिट क्या हुआ है, डिविडेंड कितना दिया है, जिन्होंने निवेश किया है। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड का ये फाइनेंशियल रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं ये। Q3 FY22 में टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो 33,783 करोड़ का टोटल इनकम है और साल भर पहले 28,387 करोड़ का टोटल इनकम था और Q2 में 33,095 करोड़। तो देखिए जो टोटल इनकम हुआ है एनटीपीसी लिमिटेड का अदर इनकम के साथ 33,783 करोड़ का टोटल इनकम है, सालाना भी बढ़ के आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी टोटल इनकम बढ़ा है। अब टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देखिए टोटल एक्सपेंसेस हुआ है 27,964 करोड़ का और साल भर पहले 24,283 करोड़ और Q2 में था 28,949 करोड़। देखिए टोटल इनकम हुआ है 33,783 करोड़ और एक्सपेंसेस हुआ है 27,964 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,819 करोड़ का है और साल भर पहले 4,103 करोड़ और Q2 में था 4,146 करोड़। अब दोस्तों सीधे से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड में 4,626 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है एनटीपीसी लिमिटेड को, साल भर पहले थे 3,876 करोड़ का और साल भर पहले की बात करते हैं तो 3,876 करोड़ का था और Q2 में था 3,690 करोड़ का। तो देखिए प्रॉफिट जबरदस्त आया है एनटीपीसी को Q3 FY22 में 4,626 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। सालाना भी बढ़ के आया है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के आया है। टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 4,590 करोड़ का है, साल भर पहले 3,833 करोड़ का था और Q2 में था 3,682 करोड़। अब दोस्तों अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए 4.64 का है इस क्वार्टर में और साल भर पहले था 3.81 का और Q2 में था 3.71 का। तो देखिए अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, 4.64 का है। Q3 FY22 में एनटीपीसी लिमिटेड के जबरदस्त नंबर्स आए हैं, टोटल इनकम भी सालाना बढ़ा है। Q3 FY22 में एनटीपीसी लिमिटेड ने जो नंबर पेश किए जबरदस्त टोटल इनकम आया है सालाना भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी। प्रॉफिट जो हुआ है एनटीपीसी को 4,626 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों और ईपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है। तो बढ़िया एक रिजल्ट पेश किया है एनटीपीसी लिमिटेड ने Q3 FY22 में। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं तो 4 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया है। फेस वैल्यू ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। 40% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है एनटीपीसी लिमिटेड ने। और जैसे कि अगर किसी के पास अगर 500 शेयर है इनटू 4 कर लीजिए तो उतना डिविडेंड मिलेगा, बट इस डिविडेंड को लेने के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने पहले ही रिकॉर्ड डेट को डिक्लेयर किया था और ये रिकॉर्ड डेट है दोस्तों 5 फरवरी 2022 रिकॉर्ड डेट है। तो जिनके डीमैट में 5 फरवरी तक शेयर्स होंगे उनको 4 रुपीज़ के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। जितने आपके पास शेयर होंगे इनटू 4 कर लीजिए उसके हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, बट ये कि 5 फरवरी तक डीमैट में होने चाहिए। और पेमेंट डेट के बारे में ये अपडेट दिया है, द डेट ऑफ पेमेंट डिस्पैच ऑफ डिविडेंड शैल बी फरवरी 21, 2022। तो 4 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है 40% का दोस्तों। दोस्तों जैसे कि एनटीपीसी लिमिटेड के Q3 FY22 के नंबर्स को हम लोगों ने देखा
तो टोटल इनकम बढ़ के आया है सालाना भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी प्रॉफिट जबरदस्त आया है एनटीपीसी लिमिटेड को और डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को। जिनका निवेश है एनटीपीसी लिमिटेड में तो डिविडेंड मिलेगा 4 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से और स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ आया। तो जैसे कि अभी इसने जो लास्ट जो ट्रेड हुआ था 140 में ओपन हुआ है, हाई बना है 144, लो बना है 138। तो मान के चले कि अगर ये 135 के नीचे फिसलेगा तब इसमें कमजोरी होगी। अभी हाल फिलहाल में भी ये नीचे की तरफ आया था 120 124 के आसपास और बाइंग आई है रिजल्ट से पहले तो ऊपर की तरफ गया और अपने 52-week हाई 152.10 को जिस दिन ये ब्रेक करेगा तब इसमें फिर एक तेजी की संभावना रहेगी। अब बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस का जो टारगेट्स है लगभग 165 से 180 तक का है दोस्तों। एनटीपीसी लिमिटेड का जो स्टॉक है धीरे धीरे चलने वाला स्टॉक है तो जिनके पोर्टफोलियो में डिविडेंड लेना चाहिए और अगले 6 महीना 1 साल में ऊपर की तरफ स्टॉक हमें दिखना चाहिए। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 2-3% का स्टॉप लॉस अपने अनुसार देख सकते हैं। अगर स्टॉक में गिरावट होती है नीचे की तरफ दिखता है तो अपने अनुसार देखना चाहिए अगर एनटीपीसी लिमिटेड को लेना चाहते हैं। और इसमें हर तिमाही गिरावट भी आती है, अगर आप एनटीपीसी लिमिटेड में ट्रेडिंग करते हैं तो हर तिमाही गिरावट भी आती है फिर एक जंप भी आता है। तो 152 का लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा और नीचे की तरफ का 120 का लेवल इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। तो इस बीच में पिछले कुछ दिनों में ये घुमा है। तो दोस्तों ये एनटीपीसी लिमिटेड के Q3 FY22 के नंबर्स का अपडेट था और कंपनी के द्वारा इंटरिम डिविडेंड दिया गया 4 रुपीज का दोस्तों। दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,35,000 करोड़ का है इस वक्त और फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं 133 का है। EPS की बात करते हैं तो 15 का है और कंपनी की तरफ से डिविडेंड बढ़िया मिलता है। बहुत सारे निवेशक डिविडेंड के लिए भी NTPC को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, जैसे कि इस क्वार्टर में भी इंटरिम डिविडेंड का ऐलान हुआ है। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।